तो अभी थोड़ा सा बर्थडे पार्टी ना लेट हो गई है, क्योंकि अभी मामी लोग भी आ गए हैं वहां से कीर्तन से, तो भी आ रहे हैं। मामी आ रही और अम्मा आज मेरा बर्थडे है। अबे बजे टूटो, एक बार और बोलना, ये अबे बार बजे दिखाई दे। टूटो हैप्पी बर्थडे टू टू लीटो, वन। अबे बजे टू यो यू टू बता हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यू अभी खाटना थोड़ी है, खाते ही हो निकाल। हैप्पी बर्थडे। चलो आप बड़ा बड़ा बाबू करो। हाँजी बाबू। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पलाग। मैं दीपा स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आइए करते हैं नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा 8:30 से, अभी 8:30 हो रहे हैं। और मॉर्निंग का सारा काम निपटा दिया है मैंने, झाड़ू पोछा नाश्ता, दिशु को तैयार करना, दिशु को नाश्ता कराना और पूजा पाठ वगैरह सब काम निपट चुका है मेरा। बाकी मैंने नाश्ता नहीं किया है अभी, अभी थोड़ी देर में करूँगी मैं नाश्ता। पहले दिष्ट को स्कूल भेजूंगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी। और अभी आज के मौसम की बात करूं, कल कल का तो ठीक था, परसों तो ऐसा हुआ ना यहाँ पे मौसम, बल्कि मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखा भी रखा है कैसा होता। वीडियो में तो फिर भी इतना नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसा मतलब सामने से हो रहा था ना बाइगढ़, मैंने पहली बार देखा इतना खराब मौसम। बाप रे, बिल्कुल दिन में 12 बजे अंधेरा छा गया, बिल्कुल रात हो गई यहाँ पे। और आज तो क्लियर है मौसम, कल थोड़ा सा बादल लगे थे, धूप ऊप नहीं थी, तो ऐसा लग रहा था कि मौसम खराब होगा या फिर बारिश होने वाली जैसी हो रही थी, लेकिन हुई नहीं। लेकिन आज बहुत ही क्लियर है मौसम। और चलिए सबसे पहले तो आप लोगों को दिखाती हूँ आज का मौसम, फिर बाकी की बातें फिर करेंगे। रिश्ती भी रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए। हो गया, हो गया दूसरा दूसरा। हाँ और यहाँ पे है खस्ती, अपने नाखून काट रही है, नहा धो के बिल्कुल धूप सेकने के लिए बैठी है। अब ठंडी का टाइम आ गया ना, धूप भी और ठंडी, धूप भी और साथ में ठंडी थी। और ना तो अपने दोस्तों को ढूंढ लिया। हाँ फिर लड़ाई करना स्कूल में। देखिए मेरा धनिया कितना अच्छा जम रखा है ना, अभी बड़ा होगा और अच्छा लगेगा। तो आज है 18 अक्टूबर, और 18 अक्टूबर मेरे बहुत ही खास दिन होता है। खास दिन इसलिए होता है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। और सुबह सुबह भगवान से दिया है जला के हाथ जोड़ के अपनी लंबी उम्र मांग ली है मैंने, और ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बहुत लंबे समय तक रह सकूं। और बाकी अपनी फैमिली से बढ़कर ना इंसान के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। तो बर्थडे रही बर्थडे सेलिब्रेशन की बात, तो गांव में पहले ऐसा होता था ना कि ये बर्थडे वगैरह कोई नहीं मनाता था पहले, मतलब जब हम पैदा हुए थे उस टाइम की बात है ये। तो अभी फिर हमें आदत होती तो हम मनाते, लेकिन हम अब बड़े हो गए हैं तो वैसे ही मतलब मन नहीं करता है मनाने का। तो
अभी तो वहाँ गांव में भी मनाते हैं, सब मनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन होता है वहाँ पे भी। लेकिन आप पहले जब हम हमारे टाइम पे ना नहीं होता था, तो हमारी आदत नहीं है बर्थडे मनाने की, तो हम लोग नहीं मनाते हैं। बाकी मेरी बेटी बहुत खुश है कि मम्मा का बर्थडे है करके, इसलिए मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए ना शाम को केक जरूर काटूंगी उसके लिए। वो अभी इतनी खुशी खुशी स्कूल गई कि मेरे मम्मी का बर्थडे है, शाम को हम ये करेंगे वो करेंगे, तो मैंने कहा जरूर मतलब तेरी खुशी के लिए तो मैं करूँगी, तो उसकी खुशी के लिए मैं केक जरूर काटूंगी शाम को। और वैसे भी हम लोगों ने बहुत टाइम से केक नहीं खाया है, मेरी बहनें भी हैं, तो हम सब लोग मिलके छोटा सा केक जरूर काटेंगे। और बाकी जिन लोगों ने भी मुझे बर्थडे विश किया, उनको भी मेरे दिल से धन्यवाद आप सभी का। बहुत प्यारे प्यारे विशेज दिए हैं बहुत सारे लोगों ने, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मतलब बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विशेज किए हैं, तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए भी। और बाकी अभी मैं नाश्ता करती हूँ, और नाश्ता करने के बाद फिर मिलूंगी आप लोगों से थोड़ी देर में। तो अभी मैं बना रही हूँ अपना फेवरेट टमाटर की चटनी, वो भी फ्राई टमाटर। तो ये देखिए मेरे टमाटर फ्राई हो चुके हैं, और लहसुन भी अच्छे से हो चुका है फ्राई। तो ये चटनी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं डेली बनाती हूँ, मेरा डेली बनता है, क्योंकि इस चटनी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये कम टाइम पर फटाफट बन के तैयार हो जाती है। और ये रहा मेरा पास्ता जो मैं खाने के लिए निकाला था, और ये फीका फीका लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा चटनी बना लेते हैं। और सॉस मुझे बिल्कुल पसंद है नहीं, मद्दीशू की वजह से ना मुझे फीका बनाना पड़ता है। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, और सपना और मैं जा रहे हैं नाश्ता करने के बाद थोड़ा लोकल मार्केट यहीं पर जा रहे हैं और पास में, और इसका भी काम है, और मुझे भी थोड़ा सामान लेके आना है। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से, आज पैदल नहीं जा रहे हैं। तो ये है सपना और हम लेके जा रहे हैं स्कूटी। फिकर डरी कर आत्मकामी मौसम कितना सुंदर हो रहा है, अभी अच्छी धूप खिली हुई है। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं, और हमारा सामान भी ये है, और ये अम्मा पानी डाल रहे हैं फूलों में। आम पे ज्यादा उछा तो ना नम है। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30, और दृष्टि भी आ गई स्कूल से, मेरा भी खाना वाना नहीं बनाया, भी बनाऊंगी थोड़ी देर में। और पहले उधर अम्मा के वहाँ जाती हूँ, मतलब नानी के वहाँ। क्या करती है नानी? मामी लोग आजकल भजन कीर्तन चल रहे हैं ना नवरात्रों में, तो उधर गए हैं, तो अम्मा अकेली थी। देखती हूँ उन्होंने भात बना रखा नहीं बना रखा है, नहीं तो मैं चढ़ा के आ जाऊंगी। तो यहाँ पे अम्मा कह रहे ना मैंने खाना बना दिया है भात, और मैं सोचा अम्मा ने नहीं बना रखा होगा। अम्मा की हाइट छोटी ना, तो किचन में पहुँच नहीं पाती है वो, तो मैं सोचा मैं चढ़ा दूंगी। दाल तो मामी ने बना रखी थी, तो वो कह रहे मैंने बना लिया है, तो चलती हूँ अम्मा ने कैसा बना रखा है दिखाती हूँ। तो अम्मा ने ना भात बना दिया है, और बड़ी जल्दी बना दिया यार। अभी मैंने सोचा अम्मा ने नहीं बनाया होगा तो मैं बनाऊंगी, अम्मा ने तो छठ मंगनी पट ब्याह कर दिया, इधर बना दिया। गाम है गो ना गाम पछिण है गो अम्मा पछिण भात पकौन पकौन अमा घर याद होने फिर गई घर जैसी बोल याद घर और बड़ा अब हम चेलियाँ नहीं याद करो पे चेली याद करना वाला था मैं यो ये में कौन है तुम्हारे चिल्ली चाना वाल ओ हेलो काल
તમારી ઈચ પટાવે ગિલો યો થેક ગે ભલી આમ મેર હા જે હું તો રૂએ હું મે રાત તો દીજો ના ખબ મે ખબ જે મે જો તો ખાન ખાઈ લો ઉઠી હા જે જે હા જે તો કેન જલાય આપ જલા ગોર अब मेरी मम्मी अगर हब्बूती बहुत खाल अब टाइम होला पछि यहाँ आएगी गुएर बिहानी नै हुन दुध दुध के दिन ओन कोने सी खाले खाने भी मम्मी ओन तो दोस्तों ये है मेरी नानी और मेरी ईजा की मम्मी, मेरे ईजा की ईजा है ये। देखो इतने बुढ़ापे में भी अभी तक ऐसे दांत दिखा के यहाँ पे बैठे तो मेरी नानी है, पहले भी दिखा रखा है, बहुत बार वीडियो में आते भी हैं और इनको तो घर का बहुत ज्यादा निसास लगता है। तो अभी मैं ना इनको वो वाला सॉन्ग सुनाती हूँ जो मैंने आप लोगों को सुनाया, और बैगेश्वर की रोनी है मैं कसगी रोली दानपुरा, हम भी दानपुरी है ना, तो ऐसे सॉन्ग सुन के ना बहुत ज्यादा यहाँ याद आती है अपने घर की। तो अम्मा को भी वही याद आ रही थी। और अम्मा आज मेरा बर्थडे है, एक बार और बोलना हैप्पी बर्थडे टू टू वर हैप्पी बर्थडे टू यू टू बता की बता रही है हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे ये यू टू हैप्पी बर्थडे यू टू टू यू अम्मा को बोलना है सरल भाषा में कौन है कब बजे जन्मदिन है बधाई हो जन्मदिन की बधाई है बधाई थैंक यू अम्मा थैंक यू सो मच मेरी अम्मा बुटी अम्मा शाम को अम्मा को केक खिलाएंगे, हम केक लेके आए हैं। कौन केक लेके अम्मा नहीं खाते केक तम ना हना आपके लिए को बच्चा करने दो के हां पता है के ना के ने रोड बा टॉफी लोनी दे मई ओहो टॉफी ने लाया अम्मा ने अम्मा को बहुत ज्यादा टॉफी पसंद है लेकिन मैं टॉफी नहीं लेके आई लेकिन अम्मा के लिए पक्का टॉफी अम्मा की टॉफी उधार रही मेरे पे अम्मा को पल्स वाली टॉफी बहुत ज्यादा पसंद है तो अम्मा के लिए कल आएंगी टॉफी ठीक अच्छा लिटिल सिंघम की मम्मी टीवी का पूरा याद रहेगा है किताब का बिल्कुल याद नहीं रहेगा क्यों है रिशु हलवा हेलो 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 हाँ हाँ तो करेगा फिर डरा के रही उसको वहां वहां करके अजीब ना चाहे ठीक है डिस्टर्ब हो रहा है ठीक रुपए की तू बड़ा ढड़ुआ है क्या उसको परेशान कर और देखिए सनसेट हो रहा है रोट मांगण है धन्यवाद तो हमारी बर्थडे गर्ल तैयार हो गई है और यहाँ पे है हमारा साजो सामान ये फ्रूटी है ये दिया जला रखा है ये है हमारा पेस्ट्री केक
और चोर वहाँ पे है। चोरी चोर। और बर्थडे मनाने वाले हैं हम तीन, एक दो तीन लोग हैं। तो अभी हम लोग ना ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं एक छोटी बच्ची होती तो बहुत ज्यादा मतलब बड़ा बर्थडे करते, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो इतना शौक भी नहीं रहता बर्थडे मनाने का। ये तो दिसू जीत करी थी इसलिए। और बाकी अभी हम केक भी नहीं लाए, हम ना केक वैसे खाते रहते हैं लेकिन हम पीस वाला लेके आए, मतलब पेस्ट्री टाइप का, तो वही काटेंगे, वही पसंद आ रहा था हमें, तो सब बोल रहे थे कि वही ले जाते हैं, तो मैं भी वही लेके आई। तो ये आ गए, तो क्या कहते हैं वो अभी सब्जी काटी है अपने पापा का प्राइस। अच्छा तो लेट हो जाएगी, हम काट लेते हैं। दिनू दादा चावल गायब नहीं खत्म जा रहा है तो जानते हो। अच्छा तो अभी थोड़ा सा बर्थडे पार्टी ना लेट हो गई है क्योंकि अभी मामी लोग भी आ गए हैं वहाँ से कीर्तन से, तो भी आ रहे हैं, मामी आ रही है तो उनका वेट कर रहे हैं, और तब तक हम लोग बैठे हैं मजे कर रहे हैं यहाँ पे, और थोड़ा केक का डेकोरेशन भी, केक का डेकोरेशन, पेस्ट्री का डेकोरेशन कर दिया हमने। तो यहाँ पे मामी भी आ गई है और अभी अम्मा तो आए नहीं तो अम्मा भी आते, भैया वहाँ खेल रहे हैं। और ये है यहाँ पे दिशु, इसको हो रही कब केक काटे कब खाऊं। सपना ने फोटोग्राफी की हमारी। कुछ थोड़ी अंगुली से खिला चाकू का मुंह में डाली चाकू। हैप्पी बर्थडे क्यों बोला तूने? ये बुढ़ापा हो आने की खुशी है। मामे का फास्ट है तो हम खिला नहीं सकते हैं, और सपना को खिलाएंगे। अपना को छोटा छोटा। तो ये हो गया कंप्लीट, अब इतने ही थे यहाँ पे, और बाकी जो हैं उनके लिए तो यहाँ से टिक जाएगा। तो अब क्या करते हैं, खाते हैं। दोस्तों हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया है और सब खाके केक खाके चले गए हैं, और सपना गई उधर अम्मा को और भैया को केक देने, और अभी खस्ती और ये दिनों तो अब भी आए लेट, कब से बुला रहे थे पता नहीं कहाँ थे, अब भी आए। डाली डाली